वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से, यानी कि टीम 07 और दूसरे क्रिएटर्स। तो अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहली स्टोरी आ रही है वो आ रही है अदनान 07 की तरफ से। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस मालिनी ट्रेंडिंग करके एक पेज है इंस्टाग्राम पे, जहां पर अदनान का शॉर्ट इंटरव्यू अपलोड हुआ है। अब वो इंटरव्यू मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था लेकिन नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू, लेकिन उसमें एक पार्ट में अदनान ने यह कहा था कि मेरी और फैसू की आईडी जब से आई है, मतलब जब गई थी और उसके बाद से आज तक के हम लोग की जो वीडियो है वो फॉर यू पर नहीं आई है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने नोटिस किए होंगे तो फैसू और अदनान की जो वीडियोस है वो फॉर यू पर नहीं आते। तो देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, कब सॉल्व होगी। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोग को देते रहूंगा। फिलहाल उस वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में फैसू से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो एंड तक देखते रहिए। फिलहाल हम लोग चलते हैं आदिल खान की तरफ। तो यहाँ पर उनका जो गेम ओवर सीजन आने वाला था ये रहा डिस्प्ले पर, ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो गया। गाइस अगली शुरुआत है अरिश्वा खान की तरफ से, और आज है उसका बर्थडे। जी हाँ, सो हैप्पी बर्थडे। साथ ही साथ वैसे तो मैंने स्टोरी डाला था लेकिन न्यूज में भी बता दिया। और गाइस जो अगली न्यूज है अरिश्वा खान की तरफ से और लकी की तरफ से भी, जी हाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि फाइनली अरिश्वा खान ने पोस्टर अपलोड कर दिया है दिलदारी सॉन्ग का। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं। और तो और लोगों के कुछ क्वेश्चंस है, आइए मैं क्लियर करता हूँ। तो गाइस जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो ये है कि भाई ये लोग एक दूसरे को टैग क्यों नहीं कर रहे। अगर आप लोग देखोगे सॉन्ग का पोस्टर तक रिलीज हो गया लेकिन एक दूसरे को इन लोग ने टैग नहीं किए, वो इसलिए क्योंकि अरिश्वा खान ये हैंडल करती नहीं। हैंडल मीन्स यहाँ पर जो अरिश्वा खान की मॉम है वो उसका इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं, चाहे वो सॉन्ग से रिलेटेड हो या मैसेजेस, वो सब हैंडल करते हैं। लेकिन नॉर्मली पोस्ट अगर अपलोड करना होता है तो वो अरिश्वा खान करती है, जहां तक अभी तक मुझे न्यूज मिली है। अब वो क्यों नहीं करते, क्या नहीं करते, हो सकते हैं उल्टा कुछ हो, यहां तक न्यूज थी दे दिया। गाइस अगली शुरुआत है डॉल की तरफ से, और हुआ कुछ ऐसा कि आज डॉल ने ये वाली स्टोरी अपलोड की है जिसमें आप लोग देख सकते हैं किसी ने उसको मैसेज किया है, शर्म नहीं आती तुम्हें, लाइक के पीछे पेस्ट हो पड़े हो होता है वो, डोनेट भी कर लिया करो, डोनेशन लाइक अभी जो हालात चल रहे उसके बारे में। तो उस पर रिस्पॉन्स देते हुए डॉल ने कहा है ऑलरेडी डन, जरूरी नहीं हर चीज पोस्ट करे मैसेज करने वाले के लिए। अबे साले मेरे को ना अलग से ऐसा लगता है, मतलब कि ये जो लोग है ना ये लोग डोनेट नहीं करते जानबूझ के, तो अपना जो गुस्सा है वो दूसरों पे उतारते। वैसे जो अगली न्यूज है वो सोम्या की तरफ से। सोम्या जो है कल के दिन टिकटॉक पे लाइव आई थी, 60,000 से भी ज्यादा लोग उसको देख रहे थे। वैसे तो मैंने वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखा लेकिन कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए कि भाई उसने अपनी लाइव में ये बताया कि टीम नवाब कैसे टूटी। तो जब मैंने लोग से वीडियो मांगा तो लोगों के पास था ही नहीं। किसी के पास अगर वो लाइव स्ट्रीम का वीडियो हो रिकॉर्डिंग किया हुआ प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना। एंड गाइस चलिए इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं और अब हम लोग चलते हैं फैसू 07 की तरफ। तो जो सबसे पहली स्टोरी है फैसू की तरफ से वो ये है कि इनके टिकटॉक अकाउंट में काफी प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ, मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं कमेंट्स के, भाई 4 दिन से फैसू के आईडी बराबर नहीं चल रही, मतलब फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, फॉर यू पर तो पहले से ही नहीं आ रही थी। मैंने आप लोग को पहली न्यूज में ही बताया कि अदनान और फैसू की फॉर यू पर वीडियोस नहीं आ रही, तो पता नहीं क्या इशू चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोग सर्च करोगे टिकटॉक पर फैसू तो नहीं आने वाली उनकी आईडी, लेकिन हाँ मैंने अगर सर्च किया मिस्टर फैसू 07 पूरा सर्च किया तो उनकी आईडी आ गई। तो ये सब चल रहा है, अब देखते आगे जो भी अपडेट रहेगी क्या कर रहे हैं मतलब। और काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि पहले व्यूज काफी अच्छे आते थे लेकिन अब बहुत डाउन हो गए। एंड गाइस जैसे कि आप सबको पता होगा अभी जो अली काशिफ और फैसू का मैटर चल रहा है, तो यहाँ पर अभी फैसू ने एक फोटो अपलोड की है जिसमें उन्होंने कैप्शन दिए है पीपल विल हेट यू, रेट यू, शेक यू, ब्रेक यू, बट हाउ स्ट्रॉन्ग यू स्टैंड इज वॉट मेक यू। तो लगता है वो कैप्शन इसीलिए। एंड गाइज अब मैं आप लोग को फैसू की काफी सारी क्लिप्स बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर रियल हंगामा बॉलीवुड आज फैसू के साथ लाइव आए थे इंस्टाग्राम पे। 40 मिनट की कुछ लाइव थी, पूरा बताता तो 40 मिनट का वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्लिप थी वो कट करके रख लिया हूँ और अब मैं आप लोग को धीरे धीरे करके बताने वाला हूँ। मैं आप लोग से अभी कहूंगा कि ये पार्ट तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसी में हम आप लोग को फैसू और अली काशिफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाला हूँ। फिलहाल जो सबसे पहली क्लिप है वो ये है कि इसमें फैसू 07 टी सीरीज के बारे में बोलते हैं। जी हाँ, आप लोग को पता होगा बीच में वो शूटिंग पर गए थे, टी सीरीज का उनका सॉन्ग आने वाला है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बातें कही है, आइए देखते हैं। की बात है म्यूजिक वीडियो की, तो अभी रिसेंटली मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया हूँ टी सीरीज के साथ में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में आएगा, तो उसकी कॉन्सेप्ट वगैरह भी अच्छा है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तो दैट्स ओरिजिनल, वो ओरिजिनल है। हाँ, ओरिजिनल गाना। ओके, तो
ये आपने फैसला आपने स्टार्ट कैसे किया आपने? तो मैंने सॉन्ग जो अभी मैंने किया वो रीमेक है। हाँ रीमेक है, रीमेक 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 अभी तो रीमेक ही चल रहा है ना, लोगों को रीमेक ज्यादा अच्छा लग रहा है। राइट अगली जो क्लिप है उन्होंने उसमें बिग स्क्रीन से रिलेटेड बात की है। जी हाँ बिग स्क्रीन आप लोग समझ सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री का सवाल है। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? इंशाल्लाह आप लोग को मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखेगा सीधा बिग स्क्रीन पे इंशाल्लाह। बिग स्क्रीन पे तो यू वर्किंग इन अ मूवी? नहीं अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, मैं अपने फैंस लोग को जब तक मैं कुछ शूट नहीं कर लूँ ना तब तक मैं बताता ही नहीं हूँ, तो भी इंशाल्लाह मैं बस इतना बता दियो कि नेक्स्ट प्लानिंग कुछ बड़ी है इंशाल्लाह। Okay, so you may be working in a film. Inshallah. Inshallah. थर्ड जो क्लिप है उसमें फैसू ने जन्नत से रिलेटेड बात की है। आप सबको पता होगा ये दोनों की जोड़ी तो काफी सारे लोगों को पसंद है, लेकिन कुछ लोग इसको कुछ अलग समझते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो देखते हैं। चक्रवर्ती टू जन्नत क्या लगती है आपकी? Quite a few people are asking about जन्नत जुबैर। लोग बहुत ट्रोल करते हैं उसके साथ में और लोगों को लगता है कि मतलब जन्नत जन्नत और फैसू का मतलब कुछ है ये वो ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। वो हम लोग अच्छे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी हम लोग का सॉन्ग भी आया था वो उनकी बात हो रही है। ओके जो अगली क्लिप है उसमें फैसू ने अपनी मॉम से रिलेटेड बात की है, मतलब कि उनका नाम क्या है और वो किस तरीके से रिएक्ट करती है उनके वीडियोस पर। आपकी मम्मी का नाम क्या है? तंजीला शेख। तंजीला शेख ओके, उनका कैसा रिएक्शन होता है आपकी पॉपुलैरिटी को देख के? वो यही बोलती है हमेशा कि ये सब बंद कर दो। क्या करो? ये सब बंद करो। ये सब बंद करो। हाँ बोले मुझे पसंद नहीं है ये सब करना, तुम ये सब मत किया करो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? पता नहीं, अम्मी अम्मी मतलब बहुत घरेलू टाइप है मेरी मम्मी और बाहर नहीं निकलती है, बहुत पर्दा करती है। मैं तो मम्मी को बहुत कन्विंस करता हूँ कि एक फोटो, बहुत सारे फैंस लोग बोल रहे हैं कि आपकी मम्मी के साथ में एक फोटो डालो फोटो डालो, तो वो आती नहीं है फोटो में भी। मैंने एकदम शायद लास्ट ईयर मैंने उनके साथ में एक फोटो डाला था, तो फोटो डालने के बाद मुझे कुछ एक हफ्ते तक सुनने मिला उनके मुंह से, और वो घर में बैठे बैठे मुझे पूरे टाइम पे स्टॉक करती रहती है मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, वीडियोस क्या बना रहा हूँ क्यों नहीं बना रहा हूँ, ऐसा है। अगली जो क्लिप है उसमें क्वेश्चन किया जाता है कि तुमको अरिश्फा पसंद है या जन्नत एक्टिंग के मामले में वगैरह वगैरह, तो उस पर फैसू ने ये रिस्पांस दिए। जन्नत जुबैर या अरिश्फा खान, योर फेवरेट टिकटॉक स्टार? जन्नत जुबैर। व्हाई इज दैट? क्योंकि मैं अभी तक अरिश्फा से मिला नहीं हूँ और जन्नत की एक्टिंग मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। एंड गाइस जो आखिरी स्टोरी है फैसू की तरफ से वो है अली काशिफ से रिलेटेड। आप लोगों को पता है इन लोगों का मैटर क्या चल रहा है, जो लोगों को नहीं पता है मैं फिर से कहना चाहूंगा मैंने 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूँ, ये रही सबकी लिंक, Part 1, Part 2, Part 3 उस हिसाब से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लो वरना अभी जो मैं बोलूंगा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर फाइनली फैसू ने अली काशिफ से रिलेटेड कुछ बातें कही थी इस लाइव में, आइए देखते हैं। एक वन क्वेश्चन, अदिति काले 22, अली काशिफ इज मेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट यू, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? तो ये ऐसा है कि अभी मुझे ही बहुत सारे मतलब मेंशन आ रहे हैं और बहुत सारे पोस्ट वगैरह आ रहे हैं मेरे फैन पेजेस से, और मेरे बहुत सारे फैन पेजेस से जो मुझे भेज रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। और ऐसा है कि जब हमारा अकाउंट नहीं था इससे पहले, तो मेरे वो दो फ्रेंड के रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त, अली काशिफ इज अ लॉयर, तो वो मेरे दो फ्रेंड के रिप्रेजेंटेटिव थे और उस वक्त उनसे नहीं हो पाया, तो उनसे वो दो शायद बेल रिजेक्ट हो गई थी, तो इस वजह से हमने एक सीनियर लॉयर हायर किए, तो वो सीनियर लॉयर ने हमारा बहुत अच्छा मतलब हाई कोर्ट से हमें बेल करवाया था और हमें टिकटॉक इंडिया से हमारा अकाउंट भी वापस करवाया था। तो उस वक्त उनको थोड़ा प्रॉब्लम था हम लोगों से कि मतलब उनका कहना था कि मैं इनसे मतलब बदला लूंगा एंड ऑल ये वो, जो कि अभी भी वो अपनी स्टोरी पे पोस्ट वगैरह कर रहे हैं और ये सब डाल रहे हैं, तो मुझे मुझे तो यही कहना है कि मतलब ऐसा ये सब मत कीजिए और ये पब्लिश नहीं कीजिए, क्योंकि एक लॉयर पे ये सब सारी चीजें सूट नहीं करती है। राइट ओके सो नेगेटिविटी से आप कैसे डील करते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जब आप इतनी कामयाबी मिलेगी तो फिर जाहिर सी बात है जलने वाले भी होते हैं और नेगेटिविटी भी आती है और नीचे नीचे गिराने वाले भी होते हैं, उससे कैसे डील करते हैं आप? उनसे बस यही इस तरीके से मैं डील करता हूँ कि पूरी तरीके से मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि इस चीज को जितना करके आप इग्नोर करके आगे चलोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो देख लिए गाइस, अब आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ अली काशिफ ने भी इस पर रिस्पॉन्स देते हुए एक वीडियो अपलोड किया है,
आइए देखते हैं। अच्छा अभी अभी मेरे पास एक वीडियो सर्फेस हुआ है जहाँ पे मुझे मालूम पड़ा है कि फैजू जो है ये बोलता है कि मैंने कुछ दो लोगों की बेल नहीं करवा पाया, उसके दोस्त लोगों की, तो ये सब कर रहा है। और दूसरी चीज़ क्या बोला उसने कि ये सब मेरे पे सूट नहीं करता है। इन लोगों को मैं खाली इतना बोलना चाहूँगा कि कोर्ट का कानून और लॉ और ये सब पढ़ना पहले सीखो। क्या नाम है तुम्हारे वो दोस्तों का, हसनैन और वो शादान, इनकी बेल किसने कराया था? ठीक है, वो ऑर्डर पढ़ना। दूसरी चीज़, फैजू की खुद की इंटरिम प्रोटेक्शन किसके एप्लीकेशन से आई थी वो भी रीड कर रहा। उसके बावजूद दूसरे वकील जो है वो बीच में जंप किए ज़बरदस्ती का, जबकि मैंने बोला था कि रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसने किया था? ठीक है, उसके बावजूद हसनैन और शादान की फाइनल बिल एप्लीकेशन के ऑर्डर किसने निकलवाया था? ठीक है, ये होगा कंक्लूसिव। अब रही बात दूसरा क्वेश्चन, वकील पे सूट नहीं करता, अरे वकील की ड्यूटी क्या है और क्या नहीं है वो अभी तुम जैसे लोग सिखाओगे मुझे। मेरे सामने अगर क्राइम कमिट हो रहा है और अगर मैं उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखता हूँ उसको इन्फॉर्म करके उसको रिपोर्ट करने की, तो मैंने वो किया। ये तो ड्यूटी होती है वकील की और पुलिस की, यहाँ हर एक सिटीजन की, के तुम्हारे सामने अगर कुछ गलत आ रहा है तो उसको रिपोर्ट करो। मैंने किया रिपोर्ट, तो और क्या ड्यूटी होती है सिखाओ, क्या होती है ड्यूटी बताओ ना। तुम्हारी क्या ड्यूटी होती है वो तुम पहले सीखो। अपने फेक अकाउंट्स फैंस वगैरह को बोलो कि गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है, तमीज़ नाम की चीज़ सीखो और सिखाओ। दूसरी चीज़ के तुमको अगर पता है तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं तो तुमको पता होना चाहिए कि किस तरीके के वीडियो के इम्पैक्ट किस लोगों पर कैसे पड़ेंगे। ठीक है, 100 लोग भी अगर वो फॉलो करते थे और कोई अगर बीमार पड़ता है या पड़ता था या पड़ता नहीं, कितना अगर पड़े भी होगे तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तू होगा। तो सीखो, सिखाओ और ये सब फालतू का क्राइम कर करके अपने आप को फेमस करना बंद करो। अभी मैंने एक IGTV वीडियो डाला था लेकिन मैं सोचा यार वापस है यार ये गाली करो, जितनी गाली करो देख देख के यार बोर हो गया हूँ मैं, सच्ची डिलीट कर दिया वो मैटर में, बेल हो गई, मैटर खत्म हो गया। फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद करो, और ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाने के चक्कर में अभी और एक अभी झूठा इन्फॉर्मेशन फैलाया ये बोल के और एक अभी नया केस अभी करूँगा मैं कि ऐसी बातें ये फैलाता है, पढ़ता तो है नहीं ऑर्डर। एजुकेटेड है या नहीं है भाई तू? हाँ पढ़ा लिखा है ना, पढ़ना, सुनो बराबर से और सुनो और देखो क्या है क्या नहीं है। वो केस हो गया ख़त्म, 9 महीने से ज़्यादा हो गया उस चीज़ को। तुम अलग हो मैं अलग हूँ, मेरे सामने आया क्राइम और मेरे से पहले BJP ID से एक्स BJP ID के सेल ने ऑलरेडी ये चीज़ कंप्लेन कर चुका था, काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया, मैंने अकेले नहीं किया, लेकिन मीडिया में पब्लिश मेरा अकेले का कंप्लेन हो गया, तो बाकी लोगों को भी बोलो जाके। और रही बात रियाज अली की, रियाज अली के नाम पर भी कंप्लेन हो चुकी है। मैं कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लेन नहीं कर रहा, मेरे सामने दो गलत वीडियोज आई, मैंने बैक टू बैक कंप्लेन किया, सिलेक्टिव थोड़ी ना हूँ मैं, दोनों पे किया हूँ मैंने। और मुझे श्योर है कि पुलिस अगर ये क्राइम अपने एक्शन अपने हिसाब से एक्शन ले रही है, और अगर तुमको लगता है कि तुमने जो किया है वो गलत नहीं है तो तुम डरो मत, बिंदास रहो, अगर गलत हुआ है तो कानून अपना काम करेगा अपने हिसाब से, बस यही मेरा बोलने का मैसेज है। और कुछ भी बोलने से पहले ना 2 बार नहीं 100 बार सोच, 100 बार अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले खुद सीख, और अपनी कंपनी को भी बोल सिखाने के लिए, और कंपनी को भी सिखा। ठीक है, गलत मैसेज फैलाना बंद करो, गलत हरकतें बंद करना बंद करो, और टिकटॉक के रिलेटेड जितने भी गलत वीडियोस आएंगे मेरे सामने मैं सब रिपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने की सोचना नहीं कि कुछ भी झूठी बात, यार बेल नहीं करवाया, क्या नहीं कराया, किसने कराया, फिर किसने कराया, इंटरनेट प्रोटेक्शन ऑर्डर किसने दिलवाया था तुझे? बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रे आईडी, मिलते हैं इस वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, याद से फॉलो करना, बाय स्लैप। अबे साले।